नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। शिवसेना के 40 विधायकों की बीजेपी में सौदेबाजी हो गई है। वहीं शिवसेना के एकनाथ शिंदे सहित तमाम विधायकों के फोन भी अब ऑफ जा रहे हैं। शिवसेना के विधायक दिन दहाड़े गायब हो गए हैं। सबको गुजरात के सूरत में इनका पता चला है कि ये सभी गुजरात के सूरत में रुके हैं, लेकिन अब वहां से ये लोग गुवाहाटी के किसी एक होटल में रुके हुए हैं। शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों ने बगावत कर दी है, जिसके बाद महाराष्ट्र में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार जिस दम पर बनी है उसका नाम महाविकास अघाड़ी है। वहीं शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे सहित 40 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एकनाथ शिंदे नेता विधायक दल के नेता हैं और महाविकास अघाड़ी दल ने एकनाथ शिंदे को नेता विधायक दल से हटा भी दिया है। अब महाराष्ट्र की सरकार गिरेगी या ठहरेगी, इसके लिए महाराष्ट्र का गणित समझना आपको बहुत जरूरी है। तो वो गणित हम आपको समझा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में अभी 287 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 144 सीटों की जरूरत होती है, यानी कि जिसके पास 144 सीटें उसकी सरकार महाराष्ट्र में। अब आपको हम ये समझाते हैं कि शिवसेना के 40 विधायक टूटे हैं तो क्या उद्धव सरकार बच पाएगी। तो अगर शिवसेना के 40 विधायक बागी हो गए हैं तो शिवसेना के पास बचे हैं 55 में से 15 विधायक, यानी कि एनसीपी के पास यहां पर 53 विधायक बचे हैं और कांग्रेस के पास 44 विधायक बचे हैं। तो टोटल अगर इनका गुणा भाग किया जाए तो 112 विधायक शिवसेना के पास बचे हैं, यानी कि सरकार बनाने के लिए चाहिए होते हैं 144 विधायक और इस हिसाब से उद्धव सरकार के पास यहां पर पूरे विधायक नहीं है, इस वजह से सरकार गिर सकती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी के पास कितने विधायक हैं। तो बीजेपी के पास 106 विधायक हैं। तो अगर शिवसेना के 40 विधायकों को जोड़ें और निर्दलीय 13 को जोड़ा जाए तो बीजेपी के पास 159 विधायक हो जाते हैं, और यानी कि बहुमत के आंकड़े से 15 विधायक अधिक हो जाते हैं। इस स्थिति में बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बन सकती है। चलिए अब 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को 106 सीटें मिली थी, वहीं शिवसेना को 56 सीटें मिली थी, एनसीपी को 53 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी और शिवसेना चुनाव के पहले साथ थी, लेकिन शिवसेना महाराष्ट्र में उद्धव को सीएम बनाना चाहती थी। लेकिन बीजेपी उद्धव को सीएम नहीं बनने दे रही थी और इसी कारण बीजेपी और शिवसेना गठबंधन जो था वो अलग हो गया, और जिसके बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और सरकार बना ली और उद्धव यहां के सीएम बन गए। एक बात और हम आपको यहां पर बता दें कि बीजेपी ने अगर शिवसेना के 36 से कम विधायक तोड़े तो बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि 36 से कम विधायक तोड़ने पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा, और दल बदल कानून लागू होने का मतलब यह है कि बागी विधायकों की सदस्यता खत्म हो जाएगी, और इस कानून से बचने के लिए एकनाथ शिंदे को 36 विधायक अपने साथ लेकर आना होगा, तभी बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बन सकती है।